हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, जैसे कि आप कुछ भी अपने ट्रैक्टर के पीछे एप्लीमेंट चलाते हो, तो रूटर हो गया, टिलर हो गया, और भी कुछ एप्लीमेंट है, तो उसको आप कौन से गियर में चला सकते हो, किस में आसान तरीके से में चल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से भाई गियर लगाने पड़ते हैं हर एक एप्लीमेंट में। तो भाई, इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाई, जैसे कि आप गियर चेंज करते हो तो उसका जो आपके ट्रैक्टर का फ्यूल होता है वो भी कम फूकने वाला है, और आपके ट्रैक्टर के इंजन पे कुछ भी लोड नहीं पड़ने वाला है। तो भाई, कुछ इस तरीके से आपको गियर लगाने बताऊंगा भाई। तो भाई, वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो भाई चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं रूटावेटर के बारे में। भाई, आपको रूटावेटर कौन से गियर में चलाना आसान रहेगा, जिससे कि आपके ट्रैक्टर पर लोड भी ना पड़े और आपके ट्रैक्टर का जो ऑयल होता है वो भी कम फूके। तो भाई, चलते हैं गियरों के पास। तो ये हैं इसके कुछ इस तरीके के गियर लीवर। स्वराज ट्रैक्टर है भाई, तो फिलहाल कर लेते हैं दोनों को न्यूट्रल। तो भाई, जैसे कि आपको रोटावेटर चलाना है तो इसको आपको कर लेना है भाई सेकंड गियर में, और इसको कर लेना है लो, ऊपरली साइड। तो हाई में नहीं चलने का भाई रोटावेटर बिल्कुल भी, तो इसको आपको कर लेना है लो में। तो आरपीएम की बात करूं भाई, आरपीएम आपको कर लेने हैं 1400 1500 के बीच में, इसको आपको 14 16 के बीच में कर लेना है। तो ये जो आरपीएम है भाई बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही चलेगा, आपका ट्रैक्टर दबने का नहीं और बढ़िया चलेगा। तो आपको ये तो ठीक है, ये कर लिया आपने। तो इधर आपको भाई ये लीवर होते हैं जो ड्राफ्ट और पोजिशन लीवर, तो इनको भी आपको बिल्कुल सेट कर लेना है, जिससे कि बहान भी बिल्कुल सही हो, ज़्यादा गहरा ना हो और कम भी ना हो। नहीं तो अगर ज़्यादा छोड़ दोगे तो भाई ट्रैक्टर पे लोड पड़ेगा, तो इसको भी आपको बिल्कुल सेट कर लेना है। अगर भाई जिस भाई पे ये सेट करने नहीं आते, तो भाई वीडियो के एंड में आपको भाई वीडियो मिल जाएगी एंड स्क्रीन में, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो भाई इसके जो ड्राफ्ट और पोजिशन लीवर की जो वीडियो है। अगर इसको आप तीसरे गियर में भी चलाना चाहोगे तो भाई चाल ज़्यादा बन जाएगी और तो वाहन कम होगा, तो इसकी वजह से आपको जो दूसरा गियर है रूटावेटर चलाने का, तो सबसे बेस्ट है भाई दूसरे गियर में ही चलाते हैं सब लोग, दूसरे की लो में गियर डाल लेना है और फिर आपको चला लेना है। तो भाई, इसमें आप गहराई भी बढ़िया कर सकते हो और वाहन भी बारीक हो जाएगा। तो ये तो भाई रिवर्स स्पीडियो के साथ ट्रैक्टर आता है, तो भाई अगर ज़्यादा ब्रेक वाहन करना है तो भाई रिवर्स स्पीडियो में आप इसको चला सकते हो ऊपर उठा के, ज़्यादा नीचे नहीं चलने का भाई, क्योंकि लोड लेगा रिवर्स स्पीडियो में। ये है भाई इसका पीटीओ गियर, यहाँ से इसको आप आगे करोगे तो इसमें 540 चक्कर में चलेगा, और पीछे करोगे तो इसमें जो रिवर्स स्पीडियो होती है उसमें चलेगा भाई। और आरपीएम आपको सेट कर लेने ही है 1400 1600 के आसपास, आप इसको आरपीएम दे के बड़ी आसानी से चला सकते हो। तो भाई, अब बात कर लेते हैं कल्टीवेटर की, जो टिलर होता है, तो उसको आपको कौन से गियर में चलाना है ये आपको मैं बता दूं। तो भाई, ये है कुछ इस तरीके के इसके गियर लीवर, तो आपने देख ही लिए हैं। तो भाई, इसको कर लेना है ऐसे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। तो भाई, इसको आपको डाल लेना है फर्स्ट गियर में, तो फर्स्ट में डाल लिया और फर्स्ट के हाई में इसको कर लेना है। तो भाई, आप सोच रहे होंगे रूटावेटर आपने लो में करा तो इसको हाई में, तो भाई जो टिलर होता है वो हाई में ही चलता है, तो लो में चलाओगे तो भाई स्पीड कम हो जाएगी, आपका जो टाइम होगा वो भी वेस्ट होगा। और तो भाई, इसमें हाई कर लेना है आपको, हाई करने के बाद आपको आरपीएम सेट कर लेना है ऐसे ही भाई 1400 या 1600 के बीच में आपको सेट कर लेना है, तो इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हो 1700 तक, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, क्योंकि पहले गियर में बहुत तेज चलता है भाई टिलर, तो ज़्यादा बहन करता है ना, तो उसमें कोई चक्कर वगैरह का कोई मतलब नहीं होता, तो उसमें खुरपे नीचे गड़ने ही है वो, तो कितनी तेज चला लो। तो इस तरीके से ही भाई फिर से आपको जैसे टिलर चलाना है तो कल्टीवेटर, तो ऐसे ही आपको पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट पोजीशन लीवर दोनों सेट कर लेना ही इस तरीके से भाई। जिसको पता नहीं है तो वीडियो जाके देख सकता है, मैंने आपको बता ही दिया वीडियो में, वीडियो के एंड में मिल जाएगी।
ये सेट करने भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि भाई अगर आप इनको सेट नहीं करते तो कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं कम लग जाएगा, टिलर जो भी होता है, तो इस तरीके से ये मज़ा नहीं आएगा बहन करने में। तो इनको आप सबसे पहले सेट कर लेना है। तो रेस करनी है आपको, हैंड हैंड वाली जो रेस होती है ये यूज़ करनी है, पैर की नहीं करनी। तो पैर बिल्कुल अपने आपको ये ब्रेक पे रखना है आपको भाई, क्योंकि ब्रेक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो भाई हैंड की रेस आपको करनी है, बिल्कुल सेट हो जाएगी, बिल्कुल एक उसमें चलेगा, ज़्यादा झटके नहीं मारने का। अगर पैर की रेस से चलाओगे तो इसमें ज़्यादा झटके मारेगा भाई, क्योंकि ये बिल्कुल सेट हो जाती है, आरपीएम अपने आपको यहाँ से सेट कर लेने हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं ब्रेक पेडल की। तो भाई सबसे पहले जब भी आपको जो भी एप्लीमेंट चलाना है वो खेत में, तो आपको जो ये पिन होती है तो इसको हटा लेना है, क्योंकि भाई ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खेत में मोड़ने के लिए। जैसे कहीं मोड़ना है तो भाई इस साइड मोड़ना है तो आपको ये वाला ब्रेक दबाना है, तो आराम से घूम जाएगा ट्रैक्टर वहीं का वहीं। अगर इस साइड मोड़ना है राइट साइड में, तो ये राइट वाला पैडल दबाना है। तो भाई इनका ब्रेक का बिल्कुल ये खोल लेनी है आपको पिन, तो तभी जाके आप इसमें आराम से जो जोताई कर सकते हो। भाई यही जानकारी देनी थी भाई आपको आज की इस वीडियो में। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।